Hi dear guys, let us start today's class. Bas फटाफट एक्सप्रेस सी ए की क्लास. ओके लेट अस स्टार्ट. तो आज 29 मार्च है. 29 मार्च तो सबसे पहले 25 मार्च की एक महत्वपूर्ण घटना देखते हैं. 25 मार्च को सीआरपीएफ जो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है उसने अपना 84th माने 84वां क्या मनाया भाई स्थापना दिवस मनाया. कहां मनाया गया तो बस्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला बस्तर जिले में मनाया गया. ठीक है याद रखिएगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि बस छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस कौन सा 84वां 84th रेजिंग डे मनाया. 29 मार्च जो आज की डेट है 1857 को पहली बार भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गोली चली यानी गोली चलाने वाला मंगल पांडे बलिया के. ठीक है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया और एक अंग्रेज को अंग्रेज अफसर को गोली मार दी. कहां पर कोलकाता के बैरकपुर में. ये डेट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो 29 मार्च 1857 में किसने किया था मंगल पांडे ने. कहां से कोलकाता के बैरकपुर में गोली मारी थी अंग्रेज को और जिसके लिए उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई. याद रखिएगा इस डेट को भी 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई. ठीक है क्यों गोली मारी थी क्योंकि उसमें बता रहे थे कि जो बंदूक की वो गोली थी उसमें सुअर और गाय के चर्बी मिला हुआ था. इसका ये लोग विरोध कर रहे थे और अंग्रेज कह रहे थे आप यूज करिए. 1981 29 मार्च को ही पहली बार लंदन में लंदन मैराथन का आयोजन किया गया. ये तो डेट से रिलेटेड हो गया इसको आप ध्यान दे दीजिएगा. दूसरा है आईएनएस चिल्का से 2600 यानी 2600 अग्निवीरों का पहला बैच भाई अग्निवीर ज्वाइन कर लिए कौन सी सेना में नेवी में. कहां से पासिंग आउट परेड किया आईएनएस चिल्का. आईएनएस चिल्का मुझे बताइएगा ये कहां है. इसमें 273 लड़कियां हैं और बाकी हमारे लड़के हैं जो जाबाज ज्वाइन किए भाई. अग्निवीर का पहला जत्था कौन सी सेना में गया कहां से पासिंग आउट परेड किया इसको भी ध्यान रखना है. कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है हमारे सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी ने कि इसका विधानसभा चुनाव एक ही डेट में 10 मई को कराया जाएगा. मतगणना जो होगी 13 मई को. याद रखिएगा कि यहां पर कुल टोटल 224 विधानसभा सीटें. वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा किस डेट में हो रहा है किस डेट में मतगणना होगी. ठीक है आप मुझे कर्नाटक के बारे में राजधानी कर्नाटक की बताइएगा. ठीक है शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री का मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग देश भर के स्कूलों में से 9000 विद्यालयों का चयन किया है 6 मानदंडों पर. किसके लिए पीएम श्री के रूप में उनके स्कूलों का चयन हुआ है जिसमें नवोदय और ये केंद्रीय विद्यालय के अलावा भी 6 मानदंडों पर जो स्कूल आए हैं उनका चयन पीएम श्री के लिए और उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया जाएगा. तो पीएम श्री के लिए कितने स्कूलों का 9000 स्कूलों का. भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कहां स्थित किया गया भाई कहां है तो कोच्चि में है. ठीक है बार्क B1201 यानी 1201 भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री बार्क और नालको ने मिलकर के इसको विकसित किया. याद रखिएगा बार्क 1201. होपी इसको अभी सम्मानित किया गया. ये कहां की मूल जाति है ये जाति समूह जो न्यूज में अभी रही है तो कहां की है अमेरिका की जानते रहे अमेरिका का एक मूल अमेरिकी जाति समूह है होपी याद रखिएगा. तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुआ प्रतिबंध विधेयक को फिर से पारित कर दिया. बहुत अच्छा काम किया भाई तमिलनाडु ने. जुआ हुआ किसी प्रकार का भी हो उसको प्रतिबंध बैन ही करना चाहिए. तो किसने ऑनलाइन जुआ को फिर से कौन सा राज्य प्रतिबंधित किया है तो तमिलनाडु याद रखिएगा. लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के सीईओ बनाए गए हैं. सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है. वेरी गुड भाई इसको भी याद रखिएगा. कौन सरबजोत सिंह इनको जानते रहे शूटर हैं ये निशानेबाज. इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने पूर्वी कमान में एलएसी के पास
वायु प्रहार नामक अभ्यास किया है। वायु प्रहार याद रखिएगा किसने किया है, तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने। आप मुझे एलएसी का फुल फॉर्म और बताइए एलएसी किन दो देशों के बीच में पाई जाती है। कोंकण अभ्यास भारत व यूके के बीच अरब सागर में हुआ अभी हाल ही में। एयरटेल ने 5G की सेवा कोलकाता में लॉन्च कर दी है, इसको जानते रहिएगा। महाराष्ट्र के लातूर शहर में, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के लातूर शहर में बीआर अंबेडकर की 75 फीट ऊंची एक प्रतिमा बनाई जाएगी। उस प्रतिमा का नाम हिंदी में रहेगा ज्ञान की मूर्ति, इंग्लिश में आप उसे कहेंगे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। कहां बन रही है? महाराष्ट्र के लातूर शहर में। वह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो आज के लिए इतना ही है, ये आप याद कर लीजिए, इसको जानते रहिए और आरके सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। इस तरह से ही आप इसको पढ़िए। देखिए इसमें क्वेश्चन ही आप बनाएंगे, आपका क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है। क्वेश्चन आप लोग देखते रहते हैं कि जैसे अभी पूछा गया कि अग्निवीर का पहला बैच कहां से पास किया और पहले सेना के किस भाग में पहली बार अग्निवीरों ने ज्वाइन किया, तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन बनते रहते हैं। और मैंने महिला प्रीमियर लीग का पूरा वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिए, सीए देखते रहिए। टिल देन अपनी तैयारी को धार देते रहिए, हार मत मानिएगा, धार दीजिए, आपकी नौकरी आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आरके सिंपल क्लासेस की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई और इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।